ऐसे ही कर देती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बहुत बंद अंदर छोटी जो बिगड़े ना, ना मुझे तो सपने आ रहे हैं ना। छोटो मैंने आपसे पहले कभी ना बोला, आज इनको बोल दिया। मैं भी तेरा के लिए मारूंगा ना। तो जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, तो कैसे बचेंगी बेटियां? क्या ऐसे ही बचेंगी? क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? हर कदम पर दरिंदे खड़े हैं बेटियों को नोचने के लिए। घर से बाहर कदम रखना तक मुश्किल हो गया है। हर जगह भेड़िए ही भेड़िए, सड़क पर भेड़िए, पड़ोस में भेड़िए, स्कूल में भेड़िए, कॉलेज में भेड़िए, यहाँ तक कि अगर पढ़ने किसी बस से जाए तो वहाँ भी दरिंदे हवस का शिकार बनाने को आतुर हैं। आखिर कहाँ सुरक्षित हैं बेटियाँ? हरियाणा सरकार वैसे तो बड़े बड़े वायदे करती है बेटियां बचाने और पढ़ाने के, लेकिन क्या ऐसे ही सरकार बेटियों को बचाएगी? जब सरकार के कर्मचारी ही बेटियों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बेटियां? इस साहसी बेटी ने भी घटना का विरोध किया। जो हरकत ये दरिंदा हर दिन इसके साथ करता था, आखिर बेटी को तंग आकर विरोध करना ही पड़ा। ये घटना गुरुग्राम से कोसली आने वाली रोडवेज बस की है, जहां बस के कंडक्टर ने इस बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। देखिए आप जरा गौर से, ये बच्चे कैसे इस बस कंडक्टर को माफी मांगने को कह रहे हैं। बस में मामला बिगड़ता जा रहा है, लेकिन कंडक्टर माफी मांगने को भी तैयार नहीं। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को। झज्जर जिले के गांव भिरड़ का रहने वाला ये बस कंडक्टर कैसे हर दिन इस लड़की को छेड़ता है और इसके साथ बदतमीजी करता है। आपको बता दे, कंडक्टर का नाम राजकुमार है और ये कोसली से गुरुग्राम जाने वाली बस में कंडक्टर है। अब क्या हरियाणा में बेटियां ऐसे ही बचेंगी? क्या सरकार का ध्यान बेटियों से हट गया है? ऐसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए। आप ही देखिए पूरा वीडियो। क्या बोल रही है? बाप ना आराम से बैठे हो, आराम से बैठे हो, और आप ऐसे वो कर रहे हो। मैं भी आराम से ही खड़ा हूँ। देख लिए, दो दांत फाड़ दिए इन्होंने भी, उन्होंने फाड़ दिए। क्या दांत फाड़ दिए? क्या दांत फाड़ दिए का मतलब क्या है? बकवास कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल, ऐसे होता ना तो मैं भी ऐसे ही कर देती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बंद बंद अंदर छोटी जो बिगड़े हैं ना, ना मुझे तो सपने आ रहे हैं ना। छोटे तो बिगड़े ना, मैंने आपसे पहले कभी ना बोला, आज इनको बोल दिया। तो मैं भी तेरा के लिए मारूंगा ना। तो नहीं बोल रही, नहीं बोल रही हूँ मैं। वो नहीं बोलती है, कीड़ा चाह रहा है, बोल देगी। अरे कोई बात नहीं, बराबर में लड़की बैठी है। कमाल हो गया। तू चार आदमी खड़ा, उतना कहीं ठीक है। बात है
भाई दिमाग की गलत फहमी हो जाए अरे बाबा छोरी उतरी ना बाबड़ा मैंने कह दे फिर बताऊं तेने भाई मेरी की है और क्या भी है किस तरीके का मेरे भाई छोरी छोरी मैंने तो खुद देख अरे दिमाग खराब है लड़की होते हैं बिना बोलता भाई साहब ठीक है भाई हद क्या करा मैं भाई गलती है कहीं बाहर में नहीं छेड़ा अम्मा ना तेरे बाहर में इतना आगे सुन बात तेरे बाहर में इतना एक बात तेरे बाहर में क्या ना है बता तेरे बाहर में क्या है एक बात है केस लगा को मैंने तो ऊपर देख लिया तो मैंने तो ऊपर देख लिया मैंने तो ऊपर देख लिया मैंने तो ऊपर देख लिया प्रॉपर मैया गुड़िया बैठी अरे बराबर अरे तो ये का की है भाई ये किसकी है बाद में बढ़ाओ भाई साहब कोई बात नहीं मैंने पर आप क्यों मार रहा हो गलती है तो देखो यो मरना रहे हो कि मार रहे हो यो तो वो है पलान हुआ ठीक है चढ़ो आ रहे मान रहो तू ही मान रहे हो गलती तूने कुछ करो ही नहीं मैंने करी हो मान गलती पचास तुम कहते हो बेकार कंडक्टर है दो सौ रुपए कैक उतर गई मेरे सामने बोलो ना पीछे देख ले पीछे गुड़गावा से कोस नहीं जा रही बस हम तो चल बालक शरीर बालक है दूसरा के बालक छोरी के अंदर पर भी कहते हैं छोरा भी ठीक है और छोरी साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।